लगातार प्रवासी मजदूरों का जिले में आने के बाद जो स्थितियां गंभीर होती चली जा रही, लगातार आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर दिन ब दिन निकलती आ रही थी। अब तक जो ये संख्या 27 थी, लेकिन कल जो एक बार फिर रिपोर्ट आई है और उसमें 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उसके बाद ये जो सिलसिला गांव में था वो अब शहरों में भी दिखाई देने लगा। ये शहर लखीमपुर, यहाँ के 2 जो शहर के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मिले, उसके बाद आप देखिए कि लखीमपुर में इस जो मोहल्ला हिदायत नगर के, यहाँ पर इसको सीज कर दिया गया ताकि लोगों का आना जाना अंदर से बाहर ना हो सके। वजह यह है कि प्रशासन ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो ये यहाँ के लोग हैं उनकी स्कैनिंग करा सके, ताकि जो यहाँ पर इस तरीके के अगर कोई कोरोना के संदिग्ध हैं उनको स्कैनिंग करके उनको चिन्हित किया जा सके। लेकिन आप देखिए ये जो बैरिकेडिंग की गई, यहाँ पर भी जो लापरवाही दिखाई दे रही है, एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है इस बैरिकेडिंग को देखरेख के लिए कि कोई इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। वही इस तरीके से लोगों का आवागमन इस बैरिकेडिंग पे दिखाई दे रहा था और लगातार ये इस तरीके के हर मोहल्ले के चारों सीमाओं को जो है जहाँ जहाँ से लोगों का आवागमन है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं आदमी रास्ते निकाल रहा है, यहाँ से निकलने वाले लोग दूसरे रास्तों से अपने रास्ते बना रहे हैं। तो प्रशासन को अगर बैरिकेडिंग की थी तो यहाँ पर खड़े होकर उसके पालन के लिए कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आवागमन अगर जारी ही रहेगा तो ना इस बैरिकेडिंग का कोई मतलब दिखाई देता है, ना यहाँ पर इसके रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाई दिखाई देगा। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए।